हेलो स्टूडेंट्स, मैम स्वागत कर सुमत एजुकेशन को। तो पिला देख आज वीडियो रे हमें डिस्कशन करवा सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 कि देख तुम फाइनली सब पिला बहुत बड़ा खुशी खबर आसी जाइए। वीडियो रे पूरा संपूर्ण डिस्कशन करी जमी तुम एडमिशन को लेकिन सो वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक कर सांग सेयर कर चैनल नुआ थे चैनल टी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेसेट कर ठीक अच्छे। और जो मैंने एपर्तंत टेलीग्राम चैनल में जॉइन है ना जॉइन हो लिंक अच्छे डिस्क्रिप्शन में जितने इंपोर्टेंट अपडेट से प्रोवाइड कर दी जाए पीडीएफ भी। तो चलो वीडियो टी स्टार्ट करवा। तो देखिपुव ये जमी तुम अपडेट आसटा कि ऑफिस ऑफ स्टूडेंट्स जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पूरी थ्रोरु ठीक अच्छे। थ्रो ईमेल ये आम देख सिक्रेट द्वारा आ देखनी फ्रॉम माने किए पठाई लेटर ना प्रोफेसर डॉक्टर कौशिक मिश्र जी कि तुम मर कौन सुपरिटेडेंट श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पुरी रे अच्छा क्या पाखक पठाई ना दे डायरेक्टर टीचर एजुकेशन एंड स्क्रेड ओडिशा भुवनेश्वर को पठाई। तो कौन अच्छी लेटर रे देखनी तो ये लेटरटा देखो समस्त कहीदे आबे आ लेटरटा तुम 24/7/2023 तारीख दिन आसी ठीक अच्छे। तो देखिए लिखाई अरेंजमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन डीएलडी कोर्स 2023 सेशन टेस्ट 25 ठीक अच्छे। तो यह मैंने समस्त बुझे दूसरे सब्जेक्ट ये कहुई कि जो मानकर पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी से मैंने तो एडमिशन कर सारे मानकर कौन हम ना डिसेबिलिटी चेकिंग हम डिसेबिलिटी को वेरिफिकेशन वेरीफाई कर कैंडिडेट्स मानकर तो विषय में एडमिशन कि तुम 2023 आउ 25 जाके अच्छी। तो देखिए समस्त कौन रही अपडेट भितर मैडम सर इन रेस्पॉन्स ऑफ दिस लेटर ऑफ सब्जेक्ट स्टेटेड अबव द फॉलोइंग अरेंजमेंट हैज बीन मेड फॉर वेरिफिकेशन जेन्युइननेस ऑफ डिसेबिलिटी मेडिकल असेसमेंट बोर्ड बाय एमएबी आउ गोटे कौन अच्छी ऑफ एसजेएमसीएच पूरी इन द रिस्पेक्ट ऑफ 33 नंबर्स ऑफ पीडब्ल्यूडी मतलब मानकर जो पर्सनल डिसेबिलिटी के जन अच्छा ना 23 जन अच्छा ठीक अच्छे। तापर देखो फॉर एडमिशन इन डीएलडी कोर्स 2023 द कैंडिडेट्स मे बी इंस्ट्रक्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द अटेंडेंस ऑफ अ मेडिकल असेसमेंट बोर्ड व्हिच इज नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ ओडीपी नॉट ए जनरल ओडीपी ठीक अच्छे। ओपीडी तुम जनरल नुहे ठीक अच्छे फॉर वेरिफिकेशन विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन जो ओपीडी रे प्रॉपर ऑथराइजेशन थी ओपीडी टिकेट थी कॉपी वेरियस डिसेबिलिटी थी ठीक अच्छे। ये सब जिन तुम कौन थी दरकार जोटा कि पीडब्ल्यूडी पिला डॉक्यूमेंट जोटा आम कहीपर मेडिकल वेरिफिकेशन पाई। तो ये आम डिस्कसन कर सबुठ आम इम्पोर्टाट जिनस कौन ना तुम डेट ठीक अच्छे कौ डेट्रे कौ जगार तुम जो अच्छी चेकिंग कर वेरीफाई करा कौ जगार करोदिन कर डेट दिखाई है देखनी। सो फर्स्ट हूँ डिसेबिलिटी विजन एम्पायर जो मानर अच्छी तो पे देख तर अच्छी कौन दुटा डेट अच्छी देख जमीक 13/7 कौच 31/7/2023 रु 2/8/2023 बा कह गए दिदिन पाखे समय रोज विजन एम्पायर पिलाई वेरीफाई करने को ठीक अच्छे। तो देखो तापर ये तुम नेक्स्ट तुम हियरिंग एम्पायर जो मैंने शुणवे किसी प्रोब्लेम होकर दिन ना केवल गोटे दिन लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो मानकर अच्छे कौन रहा देख 27/7/2023 रु 1/8/2023 ठीक अच्छे। तो समस्त कहीदे एत दिन जो देख यू भावुव हियरिंग एम्पायर गोटे दिन कौन पाए बाकी सब थे दुदिन कौन पाए ठीक अच्छे। तो देखनी लोकोमोटर केतज डिसेबिलिटीज अच्छा ना मात्र 18 जन लोकोमोटर रे डिसेबिलिटी अच्छा। तापर देख हियरिंग के जनकर एम्पायर्ड हो मात्र 2 जन तापर देख विजन के जनकर एम्पायर्ड हो ना 13 जन ठीक अच्छे। तो ये देख सब कम कहार ना हियरिंग एम्पायर मात्र 2 जन तो गोटे दिन में वेरीफाई कले हो टाइमिंग कथा जी मुझे कहि तेल विजन एम्पायर जो पिला जी से टाइमिंग हूँ 9-12 2 तारिखर भी सेम 9-12 सकाल 9 दिन 12 जाके सेमती हियरिंग एम्पायर भी सेम टाइम लोकोमोटर भी सेम टाइम प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग कौ जगह तुम रिपोर्टिंग हम। तो देख फर्स्ट जो तुम हम रिपोर्टिंग कौटी ना ओपीडी तुम कहीपर देख कौन ना ओफामोलोजी डिपार्टमेंट डीएचएस कैंपस तुम सेकेंड तुम जो हम सेकेंड डेट्रे सेम जगह हम ठीक अच्छे। से देख नेक्स्ट तुम
କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟାର୍ଡ଼ ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ନା ଓପିଡ଼ି ଅଫ୍ ENT ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ DHH କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ସେମ୍ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତୁମମାନେ କରିବ ବା ଭେରିଫାଏ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋକୋମୋଟର ଡିସାବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସେମିତି କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖ ଓପିଡ଼ି ଅଫ୍ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କରିବେ ସେମାନେ, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ENT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିଜନ ଅଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଓପେଥମୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ତିନିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ରିମାର୍କ ଯଦି କହିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପର୍ ଡେ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଖ ଯେମିତି ଭିଜନ ଏମ୍ପାୟାର 13 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେବେ, ଗୋଟେ ଦିନ 7 ଜଣ, ଆଜି 7 ଜଣ ନେଲେ କାଲି 6 ଜଣଙ୍କୁ ନେବେ, କାଲି 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି 4 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ଏମିତି କରିକି ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟାର ଅଛି ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅନ୍ ଅ ସେମ୍ ଡେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କେବଳ ଆଉ କେବଳ 2 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ତ ସେ 2 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଗୋଟେ ଦିନରେ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନଙ୍କର ଲୋକୋମୋଟର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିସାବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଜଣ ନା 9 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଯିବେ, ଆଜି 9 ଜଣ କଲେ କାଲି 7 ଜଣ ଯିବେ କି କାଲି 8 ଜଣ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦିନ ମେ ବି 4 ଜଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, 5 ଜଣ, 6 ଜଣ ଏମିତି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇକି ତୁମମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଲିଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ଜେଣ୍ଡର ସୋସିଆଲ ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖ ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଚେକଅପ୍ କରିବ ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରୀରୁ ଚେକଅପ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରା ଡିଜାବିଲିଟି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପାଇକି ଦେଖିନେବ ନିଜ ନିଜର ନେମ୍ ସେଇଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଏମ୍ପାୟାର ତୁମମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ନୁହେଁ କି 31 ରୁ 2 ତାରିଖ ନୁହେଁ, 31 ତାରିଖ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍, 2 ତାରିଖ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍, ମାନେ 1 ତାରିଖରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ତାରିଖ ତୁମମାନଙ୍କର ହେବନି, 1 ତାରିଖରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲୋକୋମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି ପିଲାଙ୍କର ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଥିଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଓକେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଭିୟର୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟିଂ ମି। ବାଏ।